नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के। तो भाई साहब कल हम लोग गए थे भाई दिवाली की शॉपिंग करने, तो बहुत सारा हम लोगों ने भाई पटाखा वटाखा खरीद के लाया है। तो भाई आज हम लोग करने वाले हैं सारे पटाखों की टेस्टिंग भाई। आएगा ना भिड़ो। और भाई बहुत सारे लोगों को हमारे पटाखे के खरीदने के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और भाई यही लोग हैं कि जो लोग शादी में भाई पटाखे फोड़ते तब नहीं इनको दिक्कत होता भाई। कई पटाखों पे लिखा रहता क्या कि हिंदू का पटाखा है या मुस्लिम का पटाखा है। भाई सबका पटाखा भाई, हर त्योहार सबको सेलिब्रेट करना चाहिए भाई। बात तो सही है। रिलीजन में पढ़ के भाई एक दूसरे से मतलब हेट करके कोई मतलब नहीं है भाई, प्यार बांटते चलो बस यही जान के रखो भाई। ये देखो कल हमने इतना सारा भाई पटाखा खरीद के लाया था, बहुत ही खतरनाक खतरनाक पटाखे भाई। कल से ही परेशान हो कि पटाखा कब फोड़े, मैं तो सोचा था कब शाम हो जाए फोड़ ले उसको। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना भाई। जब से लेके आए पटाखा ना जीशन भाई परेशान है कि जल्दी से भाई टेस्ट करते हैं। तो भाई आज शाम को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं सारे जितने भी पटाखे लेके हैं भाई। तो भाई अभी इतना ही हम लोग पटाखा लेके आना है भाई, दिवाली तक भाई हम लोग और भी खतरनाक खतरनाक पटाखे लेके आएंगे। अभी भाई बड़ा वाला स्काई शॉट नहीं लाए हैं, और भाई चटाई बड़ा वाला नहीं लेके आए हैं, और भी मतलब और भी खतरनाक खतरनाक है वो सब। जब भाई दिवाली थोड़ा नजदीक आएगा ना तब लेके आएंगे भाई। चाचू मैं तो सबसे ज्यादा ये चड्डी बम के लिए एक्साइटेड हूं भाई, ये बहुत खतरनाक है यार। मेरे ख्याल से जीशान गांव वालों का कान मन फट जाएगा ये फोड़ेंगे। और भाई साहब ये देखो कल हमने नारियल भी खरीद के लाया है। एक्चुअली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये वाला बॉम्ब ना इसमें डाल के भाई फोड़ेंगे, नारियल का बॉम्ब बना देंगे। मजा आएगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बॉम्ब ना ये नारियल को फाड़ देगा, आराम से फाड़ देगा। वाह तो भाई ये नारियल वाला बॉम्ब जो बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। मतलब डर भी लग रहा है लेकिन भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा, फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, मजा आएगा। और भाई आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बहुत ही तगड़े तगड़े भाई सजेशन दे रहे हो पटाखे की, तो भाई सब हम रीड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो सारे भाई पटाखे हम लेके आएंगे यार, बस सब रखो थोड़ा सा। और हाँ भाई साहब बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं खतरनाक चैलेंज जीशान के साथ भाई। जीशान को लड़की बनाएंगे 24 घंटे के लिए भाई, उसको लड़की वड़की का कपड़ा पहनाएंगे, मेकअप शेकअप करेंगे, उसके बाद भाई जीशान को 24 घंटे के लिए लड़की बना के रखेंगे, उसको बाहर बाहर सब घुमाने लेके जाएंगे। और मैंने कल के ब्लॉग में ये आप लोगों से बोला था, और सब लोग भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, सब लोग कॉमेंट में यही कह रहे हो कि ये वाला चैलेंज करो बहुत खतरनाक है। तो भाई बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं चैलेंज लिविंग लाइक ए गर्ल फॉर 24 आवर चैलेंज। भाई जीशान को यार लड़की बनाएंगे कितना ज्यादा मजा आएगा जीशान, लेकिन सबसे पहले लड़की वाला कपड़ा खरीदना पड़ेगा। क्या लेंगे लड़की का कपड़ा? घाघरों नी चोली। ओ भाई जीशान बोल रहा घाघरों नी चोली लेने के लिए भाई। अब देखते भाई मार्केट जाएंगे भाई, कुछ तगड़ा वाला कपड़ा खरीद के लेके आएंगे जीशान के लिए भाई लड़की वाला। और भाई आप लोग के पास भी कुछ खतरनाक खतरनाक अगर चैलेंजेस वाले आइडियाज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, हम लोग भाई इधर चैलेंज वाला वीडियो भी करेंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। लेकिन भाई सबसे पहले हम लोग करेंगे लड़की वाला चैलेंज जीशान के साथ। और भाई जिस किसी ने भी हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया जल्दी जल्दी फॉलो कर लो, हमारे भाई 88K फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं। बस भाई 12,000 फॉलोवर चाहिए 1,00,000 फॉलोवर कंप्लीट करने में, तो जितने लोग हो भाई सब लोग फटाफट हमें वहाँ फॉलो कर लो यार। भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का। और ये देखो भाई हमने आप लोग को एक चीज तो बताया ही नहीं भाई, ये दोनों लोग कल जा रहे भाई स्कूल की तरफ से टूर। कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड नैनीताल। ओहो क्या बात है, कितने दिन के लिए जा रहे हो? वैसे तो 2 दिन का टूर है लेकिन हम लोग को कल ही निकलना है, उसके बाद फिर वहाँ पे 2 दिन स्टे करेंगे। हाँ, तो मतलब कितने तारीख को लौट के आओगे? 7 को आ जाएंगे। ओहो क्या बात है भाई, ये लोग टूर जा रहे हैं, तो सिर्फ नैनीताल जाओ कि और भी कहीं? और भी जगह, जंगल सफारी और भी जगह मस्त। इसको नहीं ले जा रहे भाई। भाई ये लोग स्कूल से फर्स्ट टाइम कहीं टूर जा रहे हो, भी इतना दूर भाई 2 दिन के लिए, मतलब पहली बार भाई। हम लोग 10 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक स्कूल से टूर ही नहीं गए, लेकिन बहुत मजा आता है। जा रहे बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई, स्कूल का टूर में ना बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि दोस्त लोग रहते ना भाई, बहुत ज्यादा एंजॉय करते। इसको नहीं लेके जा रहा कोई, इसीलिए हम लोग जा भी रहे क्योंकि नैनीताल हम लोग 2-3 बार घूम चुके हैं। हाँ उसके बाद तुम लोग का स्कूल भी तो खत्म हो जाएगा, 11th 12th खत्म, उसके बाद लास्ट ईयर रहेगा ना, इसके वजह से। भाई जितनी भी मस्ती करना हो ना भाई स्कूल लाइफ में कर लो, उसके बाद भाई जिंदगी झंड हो जाता है। बात तो सही है।
और भाई साहब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 20 नवंबर को हम लोग जाने वाले हैं मुंबई। भाई बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि मुंबई में हम लोग इस बार भाई बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें ट्राई करने वाले हैं। भाई वहां पे हम लोग जाएंगे मुंबई के बड़े वाले वाटर पार्क में भाई, और पूरी टीम लेके जाएंगे भाई, इरफान को भी, तौफीक को भी और फर्रो को भी, भाई सबको लेके जाएंगे। बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा यार। तो भाई इस बार मुंबई वाला जो ट्रिप होने वाला ना भाई, बहुत ज्यादा कमाल का और धमाल का होने वाला है। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा हम लोग मस्ती करने वाले हैं मुंबई में भाई। और हम लोग मुंबई में अपना झूठ पकड़ने वाला मशीन भी लेके जाएंगे, वहाँ पे सबका भाई झूठ पकड़ेंगे, और भी ज्यादा मजा आएगा यार। आज आपको मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्काई शॉट दिखाऊं, यूट्यूब पे मैं अभी देखा हूं। ये देखो चाचू, ये सबसे बड़ा स्काई शॉट, आसमान में जाके ना 5 मिनट तक फूटते ही रहता है ये। अरे देवा, ये देखो भाई कितना बड़ा स्काई शॉट है यार, प्ले कर जी। हाँ क्या बात है यार, बहुत तगड़ा यार ये वाला स्काई शॉट। देखा चाचू कितना खतरनाक स्काई शॉट था, यही वाला हम लोग भी लेके आए। बहुत तगड़ा था जीशान ये वाला, लेकिन पता नहीं मिलेगा मार्केट में कि नहीं, कहीं दूसरी जगह से हम लोग लेके आएंगे। भाई बहुत खतरनाक स्काई शॉट था यार, देखा ना आप लोगों ने आसमान में कितना तगड़ा जाके फटा यार। तो भाई हम लोग भी भाई मार्केट में खोजेंगे, अगर हम लोग को ये वाला स्काई शॉट मिला ना तो हम लोग भी बड़ा वाला स्काई शॉट लेके आएंगे यार। कहीं ना कहीं से हम लोग ये वाला स्काई शॉट ढूंढ के जरूर लाएंगे। अच्छा यार स्काई शॉट तो मैं घर पे बना सकता हूँ। कैसे रे? A few moments later. यार भाई साहब शाम के 7 बज गए हैं और जितने भी पटाखे हम खरीद के लाए हैं भाई, चलो भाई साहब सबकी टेस्टिंग करते हैं, सबको फोड़ते हैं भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। गाइस आज पूरे गांव में आग लगा देंगे आग। भाई ये देखो सबसे पहले हम लोग उड़ाने जा रहे हैं रॉकेट भाई, तो उसके लिए भाई बॉटल तैयार कर रहे हैं भाई, बॉटल में डाल के उड़ाएंगे। ये देखो ये वाला रॉकेट है, और भाई ये ऐसा ऐसा रॉकेट नहीं है, ऊपर जाके भाई फूटता भी है भाई ऊपर जाके। चलो भाई फोड़ते हैं इसको। भाई जितना खतरनाक हमने सोचा था कि ऊपर जाके फूटेगा ना, उतना फूट ही नहीं रहा भाई। चाचू ये तो फुसकी निकला। भाई हमने सोचा था ना कि स्काई शॉट की तरह भाई ये रॉकेट जो ऊपर जाके फूटेगा, लेकिन भाई वैसा फूटा नहीं, लेकिन तगड़ा ऊपर गया, बहुत ऊपर तक गया था भाई। भाई साहब अभी हम लोग ट्राई करने जा रहा है बटरफ्लाई पटाखा। दोनों जलाए भाई। अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं ये चक्री भाई। चक्री है यार, बहुत तगड़ा, बहुत टाइम तक फूट रहा है यार। चाचू ये तो उड़ने वाला पटाखा है भाई, उड़ रहा है इतना ऊपर। भाई ये देखो तगड़ा वाला छुरछुरी है यार, लाल कलर का जलेगा, ये वाला ट्राई करते हैं।
छुरी एकदम लाल लाल निकल रहा था, मस्त था एकदम। भाई ये देखो आप ट्राई करने जा रहे हैं ये कैन वाला अनार, भाई बहुत तगड़ा वाला चटर पटर करके फूटता है भाई। चाची ये सबसे खतरनाक था। भाई साहब बारी है स्काई शॉट की भाई। जी समीर तगड़ा स्काई शॉट है ये। चलो फूटते हैं। छोटा है तो इतना तगड़ा फूट रहा है, कहीं बड़ा वाला स्काई शॉट ले आए तब क्या हाल होगा भाई। अगर बड़ा ले वाला ले आएंगे ना तो भाई पूरे गांव बहरा हो जाएगा। भाई बहुत तगड़ा था यार ये, यही फूटा है भाई। बहुत ज्यादा मजा आया यार भाई। कल बहुत खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कल हम लोग भाई नारियल का बॉम बनाने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो जो बड़ा वाला बॉम है ना भाई, इसके अंदर डाल के फोड़ेंगे भाई, देखेंगे भाई ये फूटेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो कल का वीडियो मत मिस करना भाई, कल बहुत तगड़ा वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। पक्का है चाचू वो बॉम ना ये नारियल को फोड़ देगा, देख लेना। चलो भाई कल वो तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा है ना भाई। इसके बाद हम लोग को खरीदना है सबसे बड़ा वाला स्काई शॉट, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा था ना उतना ही बड़ा हम लोग भाई स्काई शॉट लेके आएंगे, वो भी फोड़ेंगे। और भी बहुत सारे खतरनाक खतरनाक पटाखे लाना भी बाकी है, तो सारा चीज अभी शॉपिंग करना बाकी है भाई, सब चीज आप लोगों को व्लॉग में दिखाएंगे। तो बस भाई साहब आज के व्लॉग में इतना ही, कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी नेक्स्ट व्लॉग, बाय।